हैंड हेल्ड कंप्यूटर में हमारे पास जो पहली डिवाइस है उसका नाम है जी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किस तरह के होते हैं। हाँ जी, ये देखिए जरा, इस तरह की डिवाइसेज है। ये मार्केट में बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। इनकी जगह पे स्मार्टफोन ने रिप्लेस कर दिया है, टैबलेट्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो पहले क्या था कि ज़रा आज से चले जाएं, कम अज़ कम भी 10 साल पीछे चले जाएं, तो मार्केट में बहुत सारे मार्केटिंग वालों के पास इस तरह की डिवाइस होती थी, पीडीए, जो वो मार्केटिंग के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ करते थे, डेटा कलेक्शन के लिए। और इसके अलावा ऑफिसेज के अंदर भी कुछ स्टाफ मेंबर्स को ऐसी डिवाइसेस दी होती थी, जिसे नाम दिया गया है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी एक कंप्यूटर की टाइप है, इसकी मदद से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए, ये पीडीए की टाइप है, ठीक है। इस तरह के कुछ मोबाइल फोन्स भी थे मार्केट में। नोकिया का एक फोन था मेरे क्लास वालों के पास, दैट वाज आई थिंक 2009 की बात है, 8 9 की, उसके पास ऐसा एक फोन होता था। तो ये पीडीए जो है इस तरह के होते हैं। इसके अलावा एक और जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उनमें एक पेजर इस्तेमाल होता था, जो कि अब बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। ये पेजर की इमेजेस है, तो ये डिवाइस भी आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। अपने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, ज़्यादातर ना ऑफिसर्स को दी होती थी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, कि वो, क्योंकि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या है कि ये इंटरनेट को यूज़ करके मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, इन पर्पसेस के लिए उन्होंने इस बनाई थी कि अगर एक एम्प्लॉय कहीं आउट ऑफ सिटी है तो उसने कम्युनिकेशन करनी है और इंटरनेट को यूज़ करना है, तो वो उस वक्त ये डिवाइसेस इस्तेमाल किया थी। आजकल इन डिवाइसेस रिप्लेस कर दिया है स्मार्टफोन्स में। पहले क्या था कि आप लोग देखते थे कि आपके पास वो बटन्स वाले फ़ोन होते थे मोस्टली लोगों के पास, और इंटरनेट की उसमें फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन हालांकि इंटरनेट उस वक्त भी मार्केट में अवेलेबल था और लोग यूज भी करते थे, तो उस वक्त जो है वो, ये जो इस तरह की डिवाइसेस हैं, ये तो पीडीए की फोटो में दिखाई है ना, पेजर्स इस्तेमाल होते थे जो कम्युनिकेशन के लिए ऑफिसेज के अंदर या जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन वो यूज करते थे।